नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए यह होम रेमेडी लेकर के आया हूं या घरेलू उपाय लेकर के आया हूं दोस्तों, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं, जो लोग महंगे महंगे ब्यूटी पार्लर्स में नहीं जा सकते। दोस्तों यह उपाय आपके चेहरे के कालेपन को और दाग धब्बों को मिटाकर आपके चेहरे को बेहद ब्राइट, फेयर और गोरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। लड़के लड़कियां हर एक को इसका इस्तेमाल कर सकता है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही नेचुरल है यह, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर पर ही बहुत ही किफायती तरीके से, कम खर्च में और एक प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं, कालेपन को मिटा सकते हैं और अपने चेहरे के सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। और यह इतना कारगर है दोस्तों, यह नुस्खा इतना उपयोगी है कि जब आप इसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 2 से 3 दिन में इसका जबरदस्त असर आपको दिखने लगेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फेयर एंड लवली क्रीम लेनी है। यह क्रीम आपको आसानी से मिल जाएगी और मैंने इस क्रीम का इस्तेमाल इसलिए किया कि यह बहुत किफायती होती है और ट्रस्ट है लोगों का इस पर, और यह बहुत ही उम्दा एक अच्छी क्रीम है। तो आपको लगभग दोस्तों इतनी मात्रा लेनी है फेयर एंड लवली क्रीम की। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लगभग इतनी मात्रा फेयर एंड लवली क्रीम ले लें। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें जो अगली चीज मिलानी है वो आपको मिलानी है दोस्तों लगभग 1 चम्मच, आप लगभग 1.5 चम्मच के आसपास दोस्तों आप दही ले लें, ठीक है, कर्ड दही आप ले लें। उसके बाद आप इन दोनों को पहले आपस में मिलाएं। इसे कैसे लगाना है दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो में आप लोग बने रहें। और देखिए ये दोनों मिलने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसके बाद हम इसमें आखिरी चीज मिलाएंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास बेसन लिया है। बेसन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी घरेलू चीज़ है जो आपके घर पर आसानी से मिल जाएगी, और बेसन पर आप विश्वास कर सकते हैं। और स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए बेसन सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आप इन सबको आपस में लेकर के दोस्तों इस तरीके से आप मिक्स करें। मिक्सअप इनको जब करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कुछ ऐसा जो है दिखने लगेगा। लेकिन आप इसको इसी तरीके से स्टीर करते रहें, इसे घुमाते रहें दोस्तों। लड़के लड़कियां आप लोग इसे अपने चेहरे पर और अपने गर्दन तक, पूरे चेहरे पर और पूरे गर्दन पर आप लोग इसे लगाइएगा, ठीक है। और इतनी मात्रा जो है आपको इसे उबटन की तरह, एक फेस पैक की तरह आपको इसे लगाना है। इस तरीके से जब आप इसे मिक्स कीजिएगा तो यह कुछ ऐसा बन करके तैयार हो जाएगा, देख रहे हैं दोस्तों। फिर आप इसे ले करके दोस्तों अपने पूरे चेहरे पर और अपने पूरे गर्दन पर अच्छे से एक फेस पैक की तरह, एक मास्क की तरह, एक उबटन के जैसे आप लगा लें, और कम से कम 1 घंटे के लिए चेहरे पर लगा रहना छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को धो लें। हर दिन इसका प्रयोग कर दोस्तों आप पाएंगे कि आपका चेहरा बेहद गोरा, ब्राइट और फेयर लगने लगेगा।